बोल कलाकार सीताराम। प्रेम भक्तों, बोल कलाकार सीताराम चैनल के माध्यम से क्रम से तिथियों का वर्णन करते हुए आज मैं द्वादशी तिथि का वर्णन करता हूँ। मनोर महात्मा कहते हैं राजन प्रजापाल, जो मनु नाम का मनत्व मंत्र है, चाहे वो यांत्रिक हो, तांत्रिक हो या वैदिक हो, ये भगवान का ही स्वरूप है। ये मूर्तिमान विष्णु का ही रूप है। नारायण सर्वश्रेष्ठ परम पुरुष है। उनके संकल्प मात्र से ही सबकी रचना होती है। एक बार जगत की रचना तो कर भी विचार आया उनके मन में, इसका पालन भी मुझे ही करना है। कर्म प्रपंच है, सम्यक रूप से स्वरूप धारण किए बिना यह कार्य संपन्न तो नहीं हो सकता। पालन करने के लिए मुझे कोई न कोई स्वरूप धारण करना पड़ेगा। इसे सगुण मूर्ति का निर्माण करूं और जगत की जिससे रक्षा हो सके। भगवान को सगुण रूप में आने की लालसा हुई सबकी रक्षा के मार्ग। वो ऐसा विचार कर ही रहे थे। इनमें से एक प्राकृतिक विशिष्ट रूप धारणी सृष्टि उनके सामने प्रकट हो गई। स्वयं नारायण ही उस रूप में प्रकट हो गए और उसने लोकत्रय को अपने वैष्णव शरीर में प्रविष्ट कर लिया। जब प्रविष्ट कर लिया तो उन्हें ध्यान आया, करे तेने वाणी आदि को पहले वरदान दिया था। बहुत पुराना प्रसंग है, भगवान नारायण ने बढ़ते हुए कहा था कि जितनी वस्तुएं विदित होंगी तुम सबके कर्ता होगे, संपूर्ण प्राणी वर्ग तुम्हें नमस्कार करेगा, तुमसे ही तीनों लोगों की रक्षा होगी और तुम विष्णु नाम को धारण करोगे। तुम सनातन पुरुष हो, देवता और मनुष्यों की रक्षा का भार तुम्हारे कंधों पर होगा, तुम सर्वज्ञ बात हो जाओगे। इसमें कोई दूसरा विचार नहीं है। इस प्रकार प्रभु प्राकृत रूप में स्थित हुए और फिर उन्हें पुरानी बात तैयार है, मैं तो वही शक्ति संपन्न हूँ पुरुष हूँ। महान तपस्वी प्रभु ऐश्वर्य प्रभाव से योग निद्रा का स्मरण किया और सिर्फ स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न होने वाली प्रजाओं का भार उसे सौंप दिया। ऐसा विचार कर भगवान फिर सो गए। योग निद्रा को भार सौंप कर भगवान सो जाते हैं। उनकी नाभि से कमल निकला। सात द्वीपों में पृथ्वी समुद्र वन उस कमल के ऊपर सभी विराजमान थे। कमल का विस्तार आकाश से पाताल तक था। उसी कणिका पर सुमेरु पर्वत सुशोभित था। उसके बीच में ब्रह्मा जी बैठे हुए थे। ऐसे स्वरूप को प्रत्यक्ष देख कर वह पुरुष परमात्मा बड़ा हर्ष हुआ। बड़ा हर्षित हुए तो उसके अंदर से पवन देव थे, उन्होंने पवन देव का अंदर से सृजन किया, आह्वान किया और कहा कि अज्ञान पर विजय करने वाले ज्ञान रूप तुम संघ का रूप धारण करो। फिर श्री हरि ने कहा, अज्ञान का नाश करने के लिए तुम्हारे हाथ में एक तलवार भी शोभा प्राप्त होगी। अच्युत भयंकर काल चक्र को काटने के लिए तुम चक्र धारण करो। केशव पाप राशि नष्ट हो जाए एतत गदा भी धारण करो। समस्त भूतों का उत्पन्न करने वाली वैजयंती माला और कंठ में सदा तुम्हारे सुशोभित होती रहेगी। चंद्रमा सूर्य ये दोनों श्रीवस्त्र कौशुभ मणि स्थान पर शोभा पाएंगे। पवन के चलने पराक्रम कहा जाता है, इसलिए पवन ही गण का रूप धारण करे और तुम्हारा बहाल होगा। तीनों लोकों में विचरण करने वाली महालक्ष्मी तुम्हारे चरणों की सेविका होगी। आपकी तिथि द्वादशी होगी। आप अपने अभीष्ट रूप से विराजमान होइए। जो पुरुष द्वादशी के दिन आपके प्रति श्रद्धा रखते हुए घृत का आहार करेगा वह स्वर्ग में स्थान प्राप्त करेगा। महातपा जी कहते हैं राजन, वही परम पुरुष नारायण विष्णु नाम से विख्यात हुए, देवता दानव ये सब उन्हीं की ही मूर्तियां हैं। स्वयं वे ही आप विभिन्न रूप धारण करते हैं और विभिन्न रूप में धारण करते हैं, किसी का पालन करते हैं, किसी का संहार करते हैं, किसी की रक्षा करते हैं। वेदांत पुरुष उन्हीं को कहा जाता है और वे हर युग में विराजमान रहते हैं। ये वैष्णव स्वर कहलाता है। पठन पाठन करने वाला स्वर्ग में मुख्य स्थान प्राप्त करता है। बोल कलाकार सीताराम।